सभी को नमस्ते। आई एम राहुल कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रैक्टिस पेपर ऑफ ग्रेड 5 डे 4 जो कि मैथ्स का है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आपको बीच में साइन दिख रहा होगा, कुछ बच्चों को इन साइंस के बारे में पता होगा और कुछ बच्चों को साइंस के बारे में नहीं पता होगा। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये साइंस होते हैं जो बताते हैं कि क्या चीज बड़ी है क्या चीज छोटी है। आपको ये दो चीजें दिख रही होंगी, दो नंबर दिख रहे होंगे, 6234 एंड 6342। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है और ये सभी निशान उसमें सही हैं। तो आप देखोगे तो इसमें ये कह रहा है कि 6234 ग्रेटर देन, बड़ा है 6342 से। आप देखोगे यहाँ पे 6200 है और यहाँ पे 300 है, तो ये बात गलत साबित होती है, यानी ये ग्रेटर देन नहीं है, बड़ा ये वाला है। तो इसलिए ये वाली जो नंबर है वो यहाँ होता तब जाके ये ठीक होता। तो ये ऑप्शन ए गलत है। अब हम देखते हैं 3080 लेस देन 3008। अब ये जो साइन है ये बता रहा है कि जो यहाँ पे जो नंबर है ना वो छोटा है, लेस देन है, छोटा है किससे, इससे। बट आप ध्यान से देखोगे ऐसी ऐसा नहीं है, यहाँ पे 3080 यानी 80 है, यहाँ पे 3008 यानी 8 है। तो यहाँ पे ये तो बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, और जबकि ये साइन क्या बता रहा है कि ये छोटा है इससे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हम आगे चलते हैं, ऑप्शन सी देखते हैं, 4234 ग्रेटर देन, बड़ा है 4243 से। आप देखोगे यहाँ पे 4234 है और यहाँ पे 4243 है, तो यहाँ पे तो ये बड़ा है और ये छोटा है, जबकि हमारा साइन क्या बोल रहा है कि ये बड़ा है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होता है। ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी है 1909 इज ग्रेटर देन 1099। ये ऑप्शन बता रहा है कि ये बड़ा है इससे। तो आप देखोगे 1900 है और ये क्या है, 1000 है और 99 है, और जबकि 1909 है, तो ये बड़ा है और ये ग्रेटर देन का साइन बड़े की तरफ ही है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ आएगा और मैं अच्छे से समझा देता हूं। जब ये ऐसे करके होगा, फेस लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन। और जब ये निशान निशान ऐसे होगा, साइन ऐसे होगा, तो ये है लेस देन। और अगर साइन ऐसा होता है तो ये इक्वल टू का साइन है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील बॉट 7 kg ऑफ घी फ्रॉम द शॉपकीपर। जो सुनील नाम का कोई बच्चा है, व्यक्ति है कोई, उसने 7 kg क्या खरीदा है, घी खरीदा है किसी दुकान से, किसी दुकानदार से, ठीक है। 7 kg घी, हम लोग घर अपने घरों में घी खाते हैं, और तो वैसे ही उन्होंने अपने घर में खाने के लिए किसी और काम के लिए घी लिया होगा। द प्राइस ऑफ घी इज 595 पर केजी, यानी 1 kg की कीमत यह है। पर केजी मीन्स 1 kg की कीमत। हाउ मैनी रुपीज विल सुनील गिव टू शॉपकीपर फॉर घी? तो सुनील ने 7 kg लिया है, तो सुनील ने कितने रुपए दुकानदार को दिए? तो हमें ये पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पर केजी को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 1 kg की कीमत इतनी है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो 7 5 जो 35, 3 कैरी कर लेंगे,
7 9 63 63 में 3 ऐड करेंगे तो 66 हो जाएगा, ये आ गया 6 और 6 कैरी हो जाएगा। अब 7 5 जा 35, 35 में 6 कैरी करेंगे तो 41। तो हमारे सामने जो नंबर आया हुआ है 4165। तो ये जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में है 3565 तो ये नहीं है, ऑप्शन बी में है 4065 इसमें भी नहीं है। अब इसमें देखते हैं 4165 ये हमारे को जो हमने किया उसे मैच कर रहा है, तो हमारा क्वेश्चन टू का आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म बाय कंबाइनिंग डिजिट्स 7 8 1 5। यानी इन नंबर्स का यूज करके हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, सबसे छोटा नंबर बनाना है। सबसे छोटा नंबर बनाने का और सबसे बड़ा नंबर बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आप बस आपको जो डिजिट्स दे रखी है ना, आप क्या करो, आपको स्मॉलेस्ट बोला है, सबसे छोटा बोला है, तो हमें सबसे, अब ये देखो मैंने ये 4 लाइंस बना दी क्योंकि 4 डिजिट्स हैं। अब ये 4 डिजिट्स में सबसे पहले जो सबसे छोटा है ना उसको रखो, तो आप देखो इनमें 1 है, इससे बड़ा कौन है 5 है, इससे बड़ा कौन है 7 है, और एंड में जो सबसे बड़ा है। तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये जिस भी ऑप्शन में है 1578 वो हमारा राइट आंसर है। तो आप देखोगे ऑप्शन ए 1578। आपको सभी ऑप्शन बहुत ध्यान से देखने हैं। अब आप देखोगे जो डी ऑप्शन है इसमें देखो 1587 है, यानी 78 नहीं 87, बस डिजिट्स की प्लेस बदल दी है। तो आप इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर आपने इनका ध्यान नहीं दिया तो आप गलत गलत पर टिक कर दोगे जो कि आपका आंसर गलत कर देगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन ए राइट आंसर है थर्ड क्वेश्चन का। तो चलिए अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी मार्क ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन है ये, नंबर लाइन क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कुछ नंबर्स हैं और उनमें कुछ डिस्टेंस के बाद वो नंबर आता है। अब जैसे 0 से लेकर यहाँ पे आए तो ये 100 को बता रहा है, और ये जो बीच में जितना भी है ना ये 1 से लेकर 100 तक का है, यानी 0 से लेकर 100 तक का है। अब इससे आगे चलते हैं तो इतना ही डिस्टेंस ये यहाँ पे 200 हो जाएगा, इतना ही डिस्टेंस, अब देखो इतना ही डिस्टेंस ये 200 और इतना ही डिस्टेंस यहाँ 300 आ गया, इतना ही डिस्टेंस यहाँ करेंगे तो ये 400 आ जाएगा। और हमें बताना है ये पी ये रहा, तो हमें बताना है कि पी के जो प्लेस है वहां पे क्या नंबर होगा, क्या मान होगा। तो आप देखोगे ये आधा हो गया, ये भी आधा हो गया, तो हम यहाँ कह देते हैं 50 है, 0 यहाँ 0 से स्टार्ट किया 50 पे आ गए, फिर 100 पे आ गए, और फिर 100 से यहाँ आएंगे तो ये हो गया 150। समझ आ रहे हो बेटा, 150, फिर ये 200, और फिर ये आप यहाँ आओगे तो ये कितना 250, और फिर आगे आओगे तो ये 300, फिर ये आ जाओगे 350, 400, ये 450। तो मैं आपको बेसिकली ये समझा रहा हूँ, जब भी कभी नंबर लाइन की बात हो तो आपको ध्यान रखना है, एक जो आपको एरिया पूछा गया और जो दे रखा है तो आपको उसको ध्यान से देखना है। जब हमने 0 से ये 100 में किया तो हमें पता लगा कि ये 50 है ये 50 है, अगर मैं इक्वली इसे भी डिवाइड कर दूं तो आप देखोगे ध्यान से तो ये 25 हो गया, ये 75 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 50 हो गया। तो आपको समझ आ रहा होगा कि हम पी देख रहे हैं तो हमारे यहां तक तो आया 250, तो हम इसे कह सकते हैं ये जो पी है इसको हो गया 275। तो यहाँ पे पी पे जो मार्क करेंगे 275, तो हमारे किस ऑप्शन में ये है, ऑप्शन ए में 200 है तो ये नहीं है, ऑप्शन बी में 275 है, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर है 275। ये भी गलत है और ये भी गलत है। चलिए अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 9 एंड 6 इन द नंबर 8965। यानी हमें एक नंबर दे रखा है,
हमें क्या नंबर दे रखा है, 8965। अब इसमें पूछ रहा है कि ये जो प्लेस वैल्यू है ना, 9 की जो प्लेस वैल्यू और 6 की जो प्लेस वैल्यू, 9 की यहाँ पे प्लेस वैल्यू है 900 और 6 की प्लेस वैल्यू है यहाँ पे, 6 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे, 60। तो हमें इसका डिफरेंस बताना है, तो हमें माइनस करना होगा। डिफरेंस मीन्स आप यहाँ देखोगे डिफरेंस पूछा है, यानी जो प्लेस वैल्यू है दोनों की, 9 की और 6 की, इनका क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, तो हम माइनस कर देंगे। तो 9 की प्लेस वैल्यू होगी 900 और 6 की प्लेस वैल्यू होगी 600, 60। तो हम इसे माइनस करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा 840। तो जिस भी ऑप्शन में 840 है वो हमारा राइट आंसर है। तो आप देखोगे ऑप्शन बी में 840 है, तो यही हमारा राइट आंसर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। मैं एक नंबर लिख रहा हूं 8965। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस 9 का प्लेस वैल्यू बताओ और फेस वैल्यू बताओ। तो आप देखोगे ये जिस जगह पे है, तो ये हो जिस जगह पे है ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू। तो ये वंस टेंस, ये हो गया वंस टेंस 100, तो ये 100 के प्लेस पे है, तो 9 के बाद 00 लग जाएगा, तो ये हो गया इसकी प्लेस वैल्यू। और इसकी फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू आपको कैसा दिख रहा है, इसका फेस कैसा है, 9 है, तो इसकी प्लेस फेस वैल्यू होगी 9। आई होप आपको एक सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसी तरीके से तैयारी करते रहिए और खूब मेहनत करिए। यही चीजें आपको आने वाली क्लासेस में मदद करेंगी, बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो कि कई बार बच्चों को समझने में कठिनाई होती है, समस्या आती है, कई बार उनका मन नहीं लगता। अगर आपको फिर भी लगता है कि क्वेश्चन देखने में आपको परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। मैं और भी कोशिश करूंगा आपको इजी वे में इन क्वेश्चन को करा पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। नमस्ते।